हमने जो टॉपिक किया उसमें एक्सेस प्रेशर की बात हुई. एक्सेस प्रेशर हमने पहला फॉर्मूला किया, इंसर्ट अ लिक्विड ड्रॉप 2 सिग्मा बाय आर, इंसर्ट अ सोप बबल 4 सिग्मा बाय आर, और अगर एयर बबल किसमें है, वन फ्री सरफेस कब होगा, जब वो पानी में होगा, तो अंदर अंदर की फ्री सरफेस है, बाहर की तो है ही नहीं, तो 2 सिग्मा बाय आर. पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल एयर बबल. एयर बबल के अंदर प्रेशर निकालना है, यानी कि पी इनसाइड निकालना है, पी इनसाइड, और ये इसका रेडियस है, सिचुएटेड जस्ट बिलो द सरफेस, तो एच नहीं लेना, बस पानी के नीचे, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर होना चाहिए, पानी के नीचे है, तो आपको इनसाइड प्रेशर निकालना है. तो मैंने आपको ये बताया, एक्सेस प्रेशर किसी भी बबल के अंदर, अगर वो वाटर के अंदर है तो क्या रहता है, 2 सिग्मा बाय आर, 2 पता है, सिग्मा पता है, आर पता है, एक्सेस प्रेशर आ गया. ये एक्सेस प्रेशर होगा क्या, पी इनसाइड माइनस पी एटमोस्फेरिक, पी एटमोस्फेरिक ऐड हो गया, ये देखो पी एटमोस्फेरिक ऐड हो गया, आंसर आ गया. तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, एक्सेस प्रेशर में पी एटमोस्फेरिक ऐड कर दिया. क्या स्टेप क्लियर है, ठीक, तो कैसा न्यूमेरिकल आएगा समझ में आ रहा है इसमें. नेक्स्ट है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ऑफ रेडियस 6 mm इज बैलेंस्ड बाय 2 mm कॉलम ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8. स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी एक ही बात है, रिलेटिव डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी डेंसिटी आ जाएगी ऑयल की. फाइंड सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन. तो उसने क्वेश्चन में साफ मेंशन किया कि किसी भी बबल के लिए एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय 2 mm ऑफ ऑयल कॉलम. तो एक्सेस प्रेशर सोप बबल में होता क्या है, 4 सिग्मा बाय आर, और प्रेशर एक्सर्टेड बाय 2 mm एयर कॉलम क्या होता है, एच रो जी, वेयर एच हमें पता है रो यानी कि डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी. सॉल्व करके यहां से क्या निकाल लेने आपने, सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि एक्सेस प्रेशर को कैसे बैलेंस, जैसे उसने कहा वैसे बैलेंस कर दिया हमने. क्वेश्चन नंबर 86, टू सोप बबल्स हैविंग रेडियाई इन द रेशियो कितनी, 2:3. तो रेडियस की रेशियो गिवन है R1 R2. कंपेयर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड दीज बबल्स. तो एक्सेस प्रेशर का रेशियो निकालो. तो आसान है, तो एक्सेस प्रेशर बबल में होता क्या है, 4 सिग्मा बाय R1, 4 सिग्मा बाय R2, दोनों को डिवाइड कर लो, R1 R2 रेशियो पता है आंसर, सिग्मा तो कैंसिल ही हो जाएगा इसमें. और सेकंड पार्ट है, ऑल्सो कंपेयर वर्क डन इन ब्लोइंग दीज बबल, पुरानी असाइनमेंट. तो वर्क डन कैसे निकलता है, सिग्मा इनटू चेंज इन एरिया. एक बबल है, बबल में एरिया डबल लेना पड़ता है, अंदर भी और बाहर भी, तो 2 × 4π r1² × σ. पहला वर्क डन, 2 × 4π r2² × σ, सेकंड वर्क डन, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, फिर से सब कैंसिल, r1 r2 की रेशियो पता है, वर्क डन की रेशियो आ जाए. तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि किस टाइप से एक्सेस प्रेशर के क्वेश्चंस कैलकुलेट किए जा सकते हैं, ठीक है यहां तक.